नमस्कार, मैं हूं सोनू कुंतल, आप देख रहे हैं व्यूज इंडिया। हरियाणा के पंचकुला स्थित एक अस्पताल में नाबालिग बच्ची ने एक मृत बच्चे को जन्म दिया है। नाबालिग लड़की की मां का आरोप है कि उसके पिता ने अपनी बेटी के साथ कई बार रेप किया, जिसकी वजह से उनकी बच्ची गर्भवती हो गई। लड़की के गर्भवती होने के बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा हो सका। बच्ची की मां ने इस मामले में थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए कहा है कि उनकी बेटी ने हाल ही में उनसे पेट दर्द की शिकायत की थी। इस शिकायत के बाद बच्ची की मां उनको अस्पताल लेकर गई और गुरुवार को अस्पताल में ले जाने के बाद उनकी बच्ची ने एक मृत बच्चे को जन्म दिया। बताया जा रहा है कि लड़की की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उसका पिता इसी बात का उसका फायदा उठाता रहता था। इस मामले में पुलिस ने दिनांक 15 मई 2020 को सुबह ही FIR दर्ज की थी। पुलिस ने मीडिया से बातचीत करते हुए जानकारी दी कि लड़की के साथ पिछले एक साल से दुष्कर्म किया जा रहा था। उसका पिता उसके साथ मारपीट भी करता था। मारपीट की वजह से ही बच्ची दहशत में आकर खामोश रहती थी और उसकी शिकायत अभी तक घर वालों से नहीं की थी। बच्ची पर हो रहे जुल्म उसकी मारपीट के कारण छुप रहे थे। पुलिस ने जानकारी दी है कि नाबालिग ने मृत बच्चे को जन्म दिया है। हालांकि लड़की की तबीयत पूरी तरह से ठीक है, वो पूरी तरह स्वस्थ है। पुलिस ने बताया है कि FIR दर्ज होने के बाद से ही लड़की का पिता फरार चल रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपी को पकड़ भी लिया जाएगा। आपको बता दें कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश से भी एक ऐसा ही चौंका देने वाला मामला सामने आया था। यहां पर 18 साल की एक लड़की ने अपने पिता पर उसके साथ लगातार 2 साल तक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। लड़की ने यह भी आरोप लगाया था कि पिता के साथ इस घिनौने काम में उनकी माँ ने भी उसके पिता का साथ दिया है, यानी कि माता भी पिता की मदद कर रही थी। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लड़की के आरोपी माता पिता को गिरफ्तार भी कर लिया था। हालांकि लड़की के पिता ने गिरफ्तारी के बाद कहा था कि उनकी बेटी के संबंध एक स्थानीय युवक से हैं और जब उसके माता पिता ने इस बात का विरोध किया तो उनकी बेटी ने उन पर ये संगीन आरोप लगा दिए। बहरहाल इस मामले में पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है। लेकिन आपको इस सब मामले में क्या कहना है, आपकी राय क्या है, आपकी राय वीडियो के नीचे कॉमेंट करके ज़रूर हमारे साथ साझा करें। अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।